हम बात कर रहे हैं IFCI की। आज के दिन की बात करें तो बड़ी तेज़ी IFCI में देखने के लिए मिल रही है। 5% के ऊपर का अपसाइड फिलहाल हमको स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 53.50 पैसे पर फिलहाल ट्रेड होता नज़र आ रहा है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक यहाँ से तेज़ी दिखा सकता है, अपने इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है 54-55 का लेवल इसको ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। इसके पीछे की वजह थी दोस्तों कि स्टॉक ने जंप के बाद रिजेक्शन लिया, अगेन जंप और दोबारा से रिजेक्शन, और जब दोबारा रिजेक्शन लिया तो आपने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन जंप, अगेन गिरावट, फिर इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अभी बाउंस बैक होकर अपने हाई को ब्रेकआउट दे सकता है। और ओवरऑल अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए IFCI का तो हमको यहाँ लगातार तेज़ी दिखाता नज़र आ रहा है, लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। अपने सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लेकर स्टॉक काम करता नज़र आ रहा है। हमने डिस्कस किया था कि 54-55 का जो लेवल है, जहाँ से रिजेक्शन लिया, इसका तगड़ा रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं स्टॉक उसी के आसपास ट्रेड होता नज़र आ रहा है। अभी यहाँ हमको बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिला। 40 का लेवल, जहाँ से गिरावट के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक किया, जो पिलर्स इस लेवल पर इंटर हुए वो यहाँ भी बने हुए से एग्ज़िट के लिए तैयार नहीं है, और इसकी यही वजह है कि यहाँ हमको बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ हमको इसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। बात करें सपोर्ट लेवल की तो 52 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट 50 का लेवल, और तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा इसका हाई है, जहाँ से दो दफ़ा स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया और गिरावट के बाद जब बाउंस बैक किया है तो लगातार फिर इसके बाद तेज़ी दिखाई। 48 का लेवल तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। अब हमको नज़र रखना है इसके इसी हाई पर 55 के लेवल पर। यहाँ तक का जंप हमको हो सकता है क्लोजिंग तक देखने के लिए मिले, आज की क्लोजिंग तक। अगर इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन हो जाता है IFCI तो फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी हमको IFCI में देखने के लिए मिल सकती है। अगला टारगेट बनेगा 58-20 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक में हमको 60-64 तक के टारगेट आप IFCI हमको दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।